Good morning, friends. How are you? Have a nice day. आज हम आपको नारियल डाल के मच्छी करी बनाने का तरीका दिखा रहे हैं। आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल, लाइक करो। ओके, हैव अ नाइस डे। इसके लिए चाहिए थोड़ा नारियल। ये नारियल छील के रखेला पीसने का भी इसको, और दो टमाटर, थोड़ा करी पत्ता और 2 टीस्पून चिल्ली पाउडर, नमक अप टू यू, हल्दी 1/2 चम्मच और ग्रीन चिल्ली चाहिए 6। और इसके लिए चाहिए कोकम। कोकम आधा घंटा पहले पानी में भिगा के रखने का। और मच्छी यही है, आई थिंक इसको रवास बोलते हैं, रवास मच्छी। इसको अभी कैसे तैयार करने का तरीका आपको बताएगा। देखो, पहले भी बोल दिया हमने, हमारा हिंदी में कुछ, आई एम नॉट वेल टू स्पीक हिंदी, सो देर इज एनी प्रॉब्लम फॉर माई हिंदी, यू हैव फॉरगिव मी, माफ़ी करना। ओके, सो चाहिए मच्छी, कोकम और नारियल, टमाटर, करी पत्ता, ग्रीन चिल्ली, चिल्ली पाउडर, हल्दी, नमक और लास्ट में इसको चाहिए बघारने के लिए थोड़ा प्याज चाहिए। और क्या क्या चाहिए आगे हम बताएगा आपको। ओके, मच्छी करी हम यही इसमें बनाने जा रहे हैं। ओके, इसमें बहुत टेस्टी लगेगा और अच्छा भी लगेगा। हम इसमें टमाटर डाल दिया, हरी मिर्ची और थोड़ा करी पत्ता डाल दिया। अभी इसमें दूध डालने का, हल्दी मिर्ची सब डालने का, हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर और नमक अभी डाल दिया इसमें। ओके, अभी चूल्हा चालू नहीं, गैस चालू नहीं की अभी तक। ओके, कोकम पानी में डाल के रखा था, वो इसमें निकाल के डाल दिया खाली पानी, कोकम का पानी। एक्चुअली इमली है, एक्चुअली इसमें आप कोकम डालने का, केरला के कोकम आते हैं अच्छा वाला, वही डालेगा तो मस्त लगेगा, इधर नहीं मिलता है, इसके लिए ये डाला इमली। जरा मिक्स किया सब, अभी नारियल का दूध डालेगा, मच्छी डालने का, जो साफ करके रखा था मच्छी वो भी डाल दिया अभी। ओके, नारियल का दूध डाल के अच्छा से मिक्स करने का। अभी जब गैस चालू करेगा ना, इसके बाद इसको हिलाने का नहीं चम्मच से, हाथ से ये बर्तन निकाल के जरा हिलाने का बस, चम्मच से कभी नहीं डालने का, क्यों मालूम है, मच्छी बढ़ जाएगा। ओके, आप स्टोव गैस चालू करने से पहले आप जरा नमक और सब देखने का, अगर बराबर है तो ठीक है, अगर बराबर नहीं आपको चाहिए तो आपका मर्जी से डाल सकते हैं। ओके, अभी ये सब इसमें डाल दिया, अभी गैस चालू करने जा रहे हैं, एक मीडियम फ्लेम में रख के देने का। अभी बंद नहीं करने का, अभी खुला रहने का। ओके, ये बॉयल हो जाएगा, इसके बाद गैस कम करके स्लो पर रखने का, एकदम बॉयल होकर बाहर नहीं जाने का, बाहर जाएगा वो देखने का। ओके, अभी चम्मच से बिल्कुल नहीं हिलाने का, चम्मच से हिलाएगा तो मच्छी सब तोड़ जाएगा, सो यू हैव टू टेक केयर। अगर आप लोगों को अच्छा लगा बना के, देखो अच्छा लगा तो कमेंट्स में कमेंट्स डालो और लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो चैनल। अभी ये उबलने के लिए शुरू हो गया, अभी संभालने का।
सो बल्कि इसका दूध फटने का, दूध फटेगा तो इसका सालन बहुत अच्छा लगेगा, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा से फटने का दूध नारियल का। ओके दूध फटने दूध फटने के बाद ये गाढ़ा होता है गरी। ओके अभी देखो, सालन का पानी सूखने चाहिए तब ये सालन गाढ़ा हो जाता है। अभी देखो ये अच्छा से बॉयल हो रहा है, अच्छा से बॉयल होने के ये फट के। ओके चम्मच से डाल के बिल्कुल हिलाने का नहीं है, मच्छी फट जाएगा, मच्छी टूट जाएगा। ओके मैंने बोल दिया मेरा हिंदी में कुछ प्रॉब्लम है, आई एम नॉट वेरी वेल टू हिंदी, सो प्लीज फॉरगिव मी। अभी मच्छी मच्छी को अच्छा से उबल रहे हैं, देखा अच्छा से फटने का दूध और पानी सूखने का। अभी गैस स्लो करने का और इसको ढक्कन लगा के थोड़ा बंद करके रखने का ऐसे। अभी स्लोली ये पकेगा अच्छे से। ओके आप एक 2-3 मिनट के बाद खोल के देखने का। अभी देखो ये पूरा नारियल का दूध फट गया। अभी ऐसे देखे सूखने का थोड़ा, इसमें थोड़ा थोड़ा ये तेल निकल जाएगा, आराम से सूखने दो थोड़ा। अभी मनते तो आप एक बार नमक और सब देखो, अगर मनते और डाल सकते तो आपको आपके लिए इफ यू वांट। अभी देखो सूख रहे और तेल भी छूटने के लिए शुरू कर रहे हैं। अच्छा नारियल रहेगा तो और भी तेल चुड़ेगा, अच्छा से चुड़ेगा, लेकिन ये नारियल इधर अच्छा वाला नहीं मिलता है। नाम में नारियल है लेकिन काम में नारियल का नहीं होता इधर का। अभी देखो सालन गाढ़ा हो रहा है और शेड में से देखो तेल चुड़ रहे हैं। बोला ये नारियल इतना अच्छा नहीं है, इसके लिए ज्यादा तेल नहीं चुड़ेगा, सालन गाढ़ा हो रहा है अभी। अब इसको बघारने का, बघारने के लिए क्या क्या चाहिए हम बताएगा आपको, फिर भी 1-5 मिनट में से रहने दो बंद करके। बंद करके मीन्स गैस बंद करने का, बंद नहीं करने का, स्लो पे रह के ढक्कन लगा के रखो। यो करी बघारने के लिए प्याज एकदम छोटा कट करके, एक मीडियम साइज प्याज कट करके एकदम छोटा छोटा करने का। और करी पत्ता चाहिए, मेथी चाहिए, मेथी बस इतना ही चाहिए। अभी देखो एकदम गाढ़ा हो गया, अब इसको बंद करके रखेगा, गैस बंद करेगा, बाद में बघारने शुरू करेगा। अभी एकदम गाढ़ा हो गया और तेल भी छूटता है, छूट गया, मच्छी भी पक गया। अभी बघारने के लिए फ्राई पैन रखा, ये गर्म होने के बाद आप तेल डालने का, तेल गर्म होएगा तो थोड़ा काली मिर्ची डालने का। ओके अभी तेल डाल दिया, थोड़ा तेल चाहिए मतलब आपको जो तेल ज्यादा पसंद है वो हिसाब से। थोड़ा खलंजी डाल दिया। ओके अभी साथ में मेथी भी डाल दिया। प्याज डाल रहे हैं।
पर पत्ता। प्याज और करी पत्ता डाला, अभी स्लो पे रखने का, इसको हिलाने का। फिर कोई लाल हो रहा है, ज्यादा लाल नहीं होने का देखने का। जो बघार दिया सब इसमें डाल दिया, अभी हिलाने का नहीं, खाने का टाइम आस्ते आस्ते अब सर्व कर सकते हैं। अभी बंद करके रखो, मच्छी करी तैयार हो गया। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। आई होप यू विल एंजॉय माय चैनल। थैंक यू।